How porn is destroying your life. Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I am Ankit. आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे porn आपकी लाइफ के साथ, आपकी ब्रेन के साथ खिलवाड़ कर रहा है और आपको कैसे porn addict बना रहा है, जिसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ, सेक्सुअल लाइफ सब कुछ खराब हो सकती है. एंड इसके ना टोटल 5 स्टेजेस हैं एंड आई होप कि आप स्टेज 3 में हैं या उससे नीचे है. अगर आप स्टेज 4 पे पहुंच चुके हो, सो दैट मींस कि इट्स अ बिग प्रॉब्लम एंड आपको जरूर हेल्प की जरूरत है. बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और इस वीडियो की रियलिटी को समझने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए. तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले देखते हैं निगेटिव इफेक्ट क्या है पॉर्न के. तो एक सिनेरियो लेते हैं. अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और आपकी जो पार्टनर है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, आप पॉर्न देखना शुरू कर देते हो और इतने ज्यादा एडिक्ट बन चुके हो कि आप पॉर्न के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते. सो पॉर्न में सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये है कि उसमें ना हजारों कैटेगरीज अवेलेबल है, जिसमें ना आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट लड़कियां अवेलेबल होती है. जो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग, आपकी फैंटेसी के अकॉर्डिंग आप वो लड़कियां चूज कर सकते हो, जब तक कि आपको मेंटल प्लेजर ना मिले उस चीज से. जैसे आपका ड्रीम है कि आपको एक ब्लॉन्ड लड़की पसंद है, उसके बिग बूब्स होने चाहिए, कि बॉडी एकदम पतली होनी चाहिए, लीन होनी चाहिए, शॉर्ट हाइटेड होनी चाहिए, लॉन्ग हाइटेड होनी चाहिए, वो सारी कैटेगरी अवेलेबल है वहां पे. तो आप अपनी फैंटेसी के अकॉर्डिंग वो चूज करते रहते जब तक कि आपकी जो विश है वो पूरी ना हो जाए. और आप जो पॉर्न देखते हो तो आपको लगता है कि यस यू हैव अचीव्ड इट व्हाट यू हैव डिजायर्ड फॉर. एंड वही चीज जब आप अपनी पार्टनर के साथ करते हो और आपकी पार्टनर ऑफ कोर्स ब्लॉन्ड हो, जरूरी नहीं है, उसका वो फिगर हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी जरूरी नहीं है. इसकी वजह से क्या होता है कि आप अपने पार्टनर में ना इंटरेस्ट लूज करने लग जाते हो. आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे पार्टनर वो बात नहीं है जो उस पॉर्न वाली लड़की में थी, और इसकी वजह से आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत गंदी तरह से डिस्ट्रॉय होती है. सेकेंड इज यू गेट आइसोलेटेड. अब जब आप पॉर्न देखते हो तो डेफिनेटली आप अपनी फैमिली के साथ तो देखोगे नहीं. जैसे हम कोई फैमिली फीचर फिल्म देखते हैं सबके साथ बैठ के, तो ऑफकोर्स आप पॉर्न तो देखोगे नहीं. तो आप क्या करते हो, बहाने ढूंढते हो अकेले रहने. किसी मामा की शादी में जाना है, चाचा की शादी में जाना है, तो आप क्या एक्सक्यूज बनाते हो कि मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे पास बहुत सारा असाइनमेंट है एंड आई वॉन्ट टू स्टे बैक, आप लोग प्लीज जॉय एंजॉय करो. और आपकी फैमिली सोचती है यस यू आर सुपर रिस्पॉन्सिबल, बट जैसे ही वो घर से बाहर जाते हैं व्हाट यू वॉच इज पॉर्न एंड यू सैटिस्फाई योर ईगरनेस या जो भी आपकी हवस है उसको आप बुझाते हो उस पॉर्न के थ्रू. तो आप अकेले रहने के बहाने ढूंढने लग जाते हो, बाहर खेलने नहीं जाते हो, जिम नहीं जाते हो, बाथरूम में घंटों बंद रहते हो. क्यों? क्योंकि आप पॉर्न देख रहे हो. इट इफेक्ट्स योर गोल एंड वर्क. अब गोल उन लोगों के लिए है जो कॉलेज में है, जैसे उनका सपना है कि उनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उनको सीए क्लियर करना है, बट उनके जो गोल में अड़ंगा अटका रहा है वो है पॉर्न. क्योंकि आप सुबह हो या रात हो, जब पढ़ाई करने का समय है तो आप पॉर्न देख रहे हो. वहीं वर्क को कैसे इम्पैक्ट करता है, जब आप ऑफिस में होते हो तो आप मीटिंग छोड़ करके बाथरूम में जाकर के पॉर्न देखते हो फोन में, और इसकी वजह से आपका वर्क बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है. जो आपको डेली गोल्स दिए जाते हैं, टारगेट्स दिए जाते हैं, वो अचीव नहीं हो पाते हैं बिकॉज यू हैव स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन बाथरूम जस्ट वॉचिंग पॉर्न. अफेक्ट्स योर व्यूज ऑन रेप एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट. अब जब हम पॉर्न देखते हैं ना, उसमें हजारों कैटेगरीज होती हैं, ब्रूटल, पनिशमेंट, डैडी, शुगर डैडी और पता नहीं क्या क्या. तो जब आप ये सारी चीजें देखने लग जाते हो ना, जिसमें लड़की को एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, लड़की को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है एंड देन सेक्सुअली हरास किया जा रहा है, तो आपको वो सारी चीजें इंजॉय करने लग जाते हो. जब आप वो चीज देखते हो ना, आपको मजा आता है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये सब करना कॉमन है, ये सब चीजें नॉर्मल है और शायद हमको मजा आ रहा है, इस वजह से तो हम देख रहे हैं. तो जब रियल लाइफ में आप न्यूज में पढ़ते हो कि एक लड़की के साथ बलात्कार हो गया, एक लड़की के साथ रेप हो गया है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, तो जो आपको फील होना चाहिए ना वो फील नहीं हो पाता है. आपको ऐसा लगता है कि यार ये सब चीजें तो मैं देखता हूँ रोज पॉन्ड में, तो वहां पे अगर हो रहा है तो इट्स नॉर्मल थिंग. और आपका पूरा का पूरा जो व्यू है ना रेप और सेक्सुअल हैरेसमेंट में, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली वालों की, अपने पार्टनर की नजरों में बहुत ज्यादा नीचे गिर जाते हो. सेक्स लाइफ जीरो कैसे हो जाएगी वो मैं आपको बताता हूँ. जब आप पॉर्न देखते हो ना, तो पॉर्न अपने साथ एक एडेड एडवांटेज लेके आता है, जो कि होता है मास्टरबेशन. जब आपने पॉर्न देखी है, आपने सेक्स करते हुए दो लोगों को देखा, तो आप मास्टरबेट किए बिना वो पॉर्न क्लोज नहीं करोगे. ये बात 100% गारंटीड मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ. पॉर्न एंड मास्टरबेशन गोज हैंड इन हैंड. तो जब आप मास्टरबेट करते हो ना, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है अपने प्राइवेट पार्ट को हिलाने की, वो बहुत ज्यादा तेज होती है, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होती है. एंड जब हम एक्चुअल सेक्स करते हैं ना, तो आपको हाथ से नहीं हिलाना होता है, वो पेनिट्रेट करके हिलाना होता है, जो कि आप जब करते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि समथिंग इज नॉट राइट, बिकॉज आप हैबिचुअल हो चुके हो उसको उस स्पीड से हिलाने के लिए, जो कि आप पेनिट्रेशन करते समय नहीं कर पा रहे हो. तो आपको वो चीज ना कहीं मजा नहीं देती है और आपकी जो सेक्स लाइफ है वो जीरो हो जाती है.
सो आप देखते हैं वो कौन सी स्टेजेस हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप कहीं सेक्स एडिक्ट तो नहीं है, और स्टेज थ्री जो है वो हमारी टारगेट स्टेज है कि उससे ऊपर आपको नहीं जाना है, उससे नीचे ही आना है। पहली स्टेज का नाम है फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ पॉर्न। तो जब आप कॉलेज में होंगे या फिर किसी ने आपको इंट्रोड्यूस किया होगा पॉर्न, या फिर एक छोटी सी इमेज देखी होगी आपने कहीं पे सेक्सी सी लड़की की, आपको इंटरेस्ट आया होगा कि यार इस तरीके की इमेजेस और कहाँ मिलेंगी मुझे, या अगर क्लिप मिल जाएगी तो इससे बेटर क्या ही है। तो आपको वो है आपका फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ पॉर्न, जिससे कि आप थोड़ी बहुत रिसर्च करना शुरू करते हो अपने आप से, आपको जब मजा आने लग जाता है देन यू क्रॉस योर फर्स्ट स्टेज। सेकेंड है प्रोग्रेशन ऑफ पॉर्न एडिक्शन। अब ये तब होता है जब आप घर में आइसोलेट होने लग जाते हो, जब आप ऑफिस में मीटिंग छोड़ करके बाथरूम में जाते हो जस्ट टू वॉच पॉर्न। तो ये सारी चीजें जब आपके साथ होने लग जाए, आपको मजा आने लग जाए अकेले रहने में, या फिर घंटों पॉर्न में टाइम बिताने के लिए, समझ जाओ आप सेकेंड स्टेज पे पहुंच चुके हो। थर्ड स्टेज जो कि है हमारी टारगेट स्टेज, अगर आप इस स्टेज पे हो दैट मींस कि यू आर एट रिस्क एंड यू नीड टू बी अवेयर कि आपकी लाइफ खतरे में है आगे की, विच इज फेलियर ऑफ सेक्स लाइफ। जब आप किसी के साथ सेक्स करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो सारी चीजें करूं मैं बट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको पॉर्न देखने में ज्यादा मजा आ रहा है, रियल सेक्स में आप बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहे हो, दैट मींस कि यू आर एट रिस्क। नेक्स्ट स्टेज क्या है, फियर ऑफ इंटीमेसी। जब आप एक बार फेल हो जाते हो सेक्स करने में, दो तीन बार फेल हो गए, तो आपके अंदर ना एक डर बैठ जाता है कि यार मैं अब सेक्स कर ही नहीं सकता, और वो धीरे धीरे आपका ना डिप्रेशन में मूव हो जाता है, जो कि है हमारी लास्ट स्टेज विच इज फाइनल स्टेज। दो फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेज एक साथ जाती है, जब आपके अंदर फियर बैठ जाता है कि हाँ मैं अब सेक्स नहीं कर सकता, आपकी शादी होने वाली है, आपके मन में डर है मैं सेक्स कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरी गर्लफ्रेंड को मैं खुश रख पाऊंगा नहीं रख पाऊंगा क्योंकि मैंने ट्राई किया है नहीं हो पाया, तो वो चीज जो है ना डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, और फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेज एक साथ आती हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेज आर द मोस्ट डेंजरस स्टेज, जिसमें आपको डॉक्टर की हेल्प जरूर लगेगी। अगर आप थर्ड स्टेज पे हो तो आप उसको डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि आप कैसे पॉर्न एडिक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, अगर आप उसको पूरी अपनी लाइफ से हटाना चाहते हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर सेकंड पार्ट जरूर बनाऊंगा। बट ये जो मेरा आज का वीडियो था अवेयरनेस फैलाने के लिए था कि कैसे पॉर्न आप लोगों की लाइफ के साथ खेल रहा है, आप लोगों की सेक्सुअल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और आपको डिप्रेशन के पास धकेल रहा है। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प जरूर मिलेगी, कुछ मोटिवेशन जरूर मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन।